आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं इमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भरत दोहांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरोरा में 31 जुलाई को उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य हरीश देवांगन ने कहा कि प्रेमचंद जी आज के दौर में प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक ही रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा रचित साहित्य में हम उस युग के आम आदमी की सही और यथार्थ तस्वीर देख सकते हैं। व्याख्याता राम कुमार वर्मा ने भी प्रेमचंद जी के विभिन्न उपन्यासों पर प्रकाश डाला। तो वहीं साहिना परवीन ने ईदगाह कहानी का जिक्र करते हुए हमीद ने अपनी दादी के लिए चिमटा भेंट को मार्मिक अंदाज में प्रस्तुत किया। कक्षा 12वीं की छात्रा पूजा साहू ने धारा प्रवाह बोलते हुए अनमोल रत्न की अनमोल यादव को बखूबी प्रस्तुत किया। कक्षा 12वीं के छात्र आशुतोष निषाद ने बताया कि प्रेमचंद जी ने समाज में होने वाले विसंगतियों को अपनी लेखनी में उकेरा है, जिससे उस समय की स्थिति को जाना जा सकता है। तो वहीं कक्षा 11वीं की छात्रा देविका वर्मा ने प्रेमचंद जी की कृति पर गंभीरता से अपनी बातें को रखी। सीमा साहू, भारतीय धृत लहरे, सुरेखा नवरंगे, सपना वर्मा, डॉली वर्मा आदि छात्राओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं ने प्रेमचंद जी की रचना बूढ़ी काकी की जीवंत प्रस्तुति बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुत किए। RNN न्यूज़ के लिए तिलदा नेहरा से केशव पाल की रिपोर्ट।